अब मैं 20 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आयुक्त साहब जी से निवेदन करते हैं कि आवे और सभा को संबोधित करें माननीय डॉक्टर साहब। अपने गृह जनपद में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी का और साथ में विधानसभा अध्यक्ष जी का और सभी मंत्रीगण और विधायकगण का मैं स्वागत करता हूं, आह्वान करता हूं और इस जनपद और लोकसभा से आए हुए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, पीस पार्टी, निषाद पार्टी और लोक दल और तमाम सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज पत्रकार बंधु और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक अपना बड़ा दिल करके जो सभी समाज के कमजोर वर्गों की लड़ाई जितनी भी पार्टियां ले रही थी उन सभी का नेतृत्व करने का जिम्मा लिया है और समाज में धर्म और जात के नाम पर समाज को तोड़ने का काम करने वाले, इस समाज और देश को तोड़ने वाले सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करने के लिए जो इन्होंने समाज के कमजोर वर्गों का, पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का जो एकजुट होकर के जो धर्म और जात के नाम पर झगड़े, पिछड़े के नाम पर, दलित समण के नाम पर जिन्होंने लड़ाई लड़ाई है, जिन्होंने आग लड़ाई है, ऐसे बहरुपियों का सामना करने के लिए आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो आज एक महागठबंधन बनाया है, ये महागठबंधन आज इस लोकसभा का सिर्फ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक परिवर्तन का लहर डालने जाना है। ये देश में उत्तर प्रदेश के सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि देश के सत्ता परिवर्तन का ये आगाज हो गया है, बुनियाद पड़ा है और मुझे लगता है कि आज का जो जनसमूह का समर्थन हम सभी को मिला है, इस महागठबंधन को मिला है, इसने संदेश दे दिया है अब दुश्मन कौन सी साजिश करेगा उसका कोई साजिश कामयाब नहीं होगा। साथियों, जो लाखों की राजनीति करते हैं, जो मानवता को शर्मसार करते हैं, ऐसे बहरुपिये जो देश के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर, धर्म के नाम पर मानवता का संहार करते हैं, ऐसे बहरुपियों का अंत होने का समय आ गया है। अब एक ही जरूरत है कि 11 तारीख को हम सभी का चुनाव निशान साइकिल है और हम सभी का प्रत्याशी भाई परवीन निषाद है, इनको वोट दे करके जिता करके हम उन बहरुपियों का, सांप्रदायिक ताकतों का, अमानवीय शक्तियों का, आतंक फैलाने वाले इस समाज और देश के दुश्मनों का हम जवाब देंगे और इस सत्ता के साथ इस सामाजिक परिवर्तन जिसमें समाज के पिछड़े वर्गों का, दलितों का, मुसलमानों का, असहायों का, लाचारों का, बेबस का, अभी तक जो कोई पूछने वाला नहीं था उनके हक इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। आइए मैं एक बार फिर सभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का और बाहर से आए हुए अन्य जिले से सारे हमारे नेतागण का अपने गृह जनपद में मैं स्वागत करता हूं और वो सभी को धन्यवाद देता हूं और विशेषकर धूप में बैठी जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपके इस जनबल ने दुश्मनों के हौसले को पस्त कर दिया है और इसका सबूत 2018 के 11 तारीख को मिलेगा और 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा सामाजिक परिवर्तन का रिजल्ट होगा। आपने हमारे को समय दिया, मैं आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करते हुए, शुक्रिया करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।